पहले एपिसोड में आपने देखा कि शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन जेके मित्तल पर कोई हमला कर देता है। हमलावर की पहचान नहीं हो पाती, लेकिन पुलिस इस केस को सोल्व करने में लगातार जुटी हुई है। पर अनजाने में मनीष के दादाजी हमलावर को ही अपने घर किराए पर रुकने के लिए जगह दे देते हैं। जिसने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हो। अब आगे बेटा सुन, तुझे रूम पसंद तो आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी सब ठीक है। हाँ तो फिर किराया निकाल यार, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मुझे लगा तू खुद दे देगा, पर तू भी पक्का ढीठ है, तब से अपना सामान सेट कर रहा है। जी मैं बस देने ही वाला था। अरे कोई ना बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। वो क्या है ना, जरूरी काम से बाजार जाना है तो थोड़ा कैश चाहिए था, मैंने सोचा तूने देने तो है, तुझसे लेता चलूं। जी दादाजी कोई बात नहीं, आपकी तबीयत खराब है क्या, गोली किस चीज की ले रहे हो? बेटा तबीयत तो एकदम ठीक है, बस थोड़ी सी थकावट हो जाती है। वो क्या है ना, उम्र ज्यादा हो गई। ये तो शक्तिवर्धक गोली है। शक्तिवर्धक? शक्ति बढ़ाने वाली। चल ठीक है मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, दरवाजा बंद कर लियो। अभी साहब आ रहे हैं, सब चीज बता देना, कुछ झूठ मत बोलना, डरना नहीं, हम हैं तुम्हारे पास, ठीक है? साहब आ गए। क्या सीन है राठी? सर जिस दिन मित्तल पे गोली चली थी ना, ये आदमी वहीं मौजूद था, बताने में थोड़ा कतरा रहा है, हो सकता है इसने मुजरिम का चेहरा भी देखा हो। वो तो अब यही बताएगा इसने क्या देखा क्या नहीं। ओए यहाँ साहब को बताओ उस दिन क्या देखा था। क्या देखा तूने उस दिन? कुछ नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। अबे सच बोल, पुलिस वालों कोई गुंडा नहीं जो तुझे गोली मार दूंगा, लेकिन हाँ अगर झूठ बोलेगा तो जरूर मार दूंगा, इसलिए जो बताए सच बताइयो। साहब जो ये न्यूज में दिखा रहे हैं सब गलत दिखा रहे हैं, ये किसी गैंग का काम नहीं था, वो अकेला ही था साहब, दिखने में लंबा चौड़ा भी था आपके जैसा साहब, उसे एक गोली भी लगी थी इधर। तुम पहचान सकते हो उसे? जी साहब, उसकी आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता, अजीब सी आग थी उसकी आंखों में, अगर दोबारा दिखेगा तो मैं जरूर पहचान लूंगा साहब। अगर उसे गोली लगी थी तो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, तुम बता सकते हो कहाँ गया था? साहब वो पहाड़ी वाला रास्ता है ना साहब, वो उसी रास्ते पे गया था, उसी रास्ते पे दो तीन होटल वगैरह पड़ते हैं साहब, अगर आप उधर पता करोगे ना साहब तो शायद कुछ सुराग मिल जाए आपको। जी सर। मैनेजर कौन है इधर? सर मैनेजर तो मैं ही हूँ, क्या हुआ? जितने भी कस्टमर्स आते हैं सबके एंट्री करते हो? हाँ जी सर बिल्कुल सभी करते हैं। फिर तो सबकी आईडी भी लेते होगे? हाँ जी सर सबकी आईडी ली हुई है सर, आप नाम के आगे आईडी नंबर चेक कर लो। अमिताभ रेखा, इनकी डिटेल्स कहाँ है? सर इनकी आईडी नहीं थी, पर सर ये हमारे रेगुलर कस्टमर है, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बता कर नहीं आती, ये लोग हैं अभी होटल में? हाँ जी सर यही है। रूम नंबर 69। तो आपके दादाजी हैं। आई एम रेडी सर, ये तो दादाजी हैं, मगर ये कौन है? ओए माँ, ये क्या प्रेमचंद, पुलिस की रेड पड़ गई क्या? बोला था ना महंगा सा होटल देख लो, सस्ते के चक्कर में मरवा दिया ना। छी ओ बेटा सुन तो,
सुन बेटा। मनीष बेटा मेरी बात तो सुन। अब सुनने के लिए रह क्या गया है दादाजी, इस उम्र में आप ये सब कुछ करते घूम रहे हो, क्या इज्जत रह गई मेरी लाठी के सामने? बेटा मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा, तू थोड़ा शांत तो हो जा। क्या समझाओगे आप, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से ही देख लिया है। मुझे कुछ नहीं सुनना दादाजी, मेरे को नहीं पता था कि आप ऐसे निकलोगे। मनीष बेटा लाठी तू ही कुछ समझाई से, इसका गुस्सा थोड़ा शांत करवा दे, मैं शाम को घर जाके सारी बात क्लियर कर दूंगा। शाम को क्यों दादाजी, अभी चलो ना। मैं अभी नहीं जा सकता, मैंने गोली खा रखी है दादाजी। बोल मिश्रा, लोकेशन भेज, मैं आता हूँ। दादाजी अगर आप मेरे से जरा सा भी प्यार करते हो ना, और मेरी इज्जत की थोड़ी सी भी परवाह है, तो प्लीज घर चले जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तू हाथ मत जोड़ बेटा, मुझे सारी बात समझ आ गई है कि गलती मेरी है। कितनी खराब किस्मत है इस बूढ़े की कि मेरा सगा पोता मुझसे ऐसी बात कर रहा है। मुझे बस एक मौका दे दे मेरी गलती सुधारने का, आज के बाद तुझे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं दादाजी, गलती इंसान से ही होती है। अब आप घर जाइए, मुझे एक केस के लिए निकलना है। राठी बैठ, मिश्रा का फोन आया है, लोकेशन भेजिए, वहां पहुंचना। सर हमें यहाँ खून के निशान मिले हैं जो कि मुझे ज़्यादा पुराने नहीं लगते हैं, और एक गोली भी मिली है। इसका मतलब वो आदमी सही कह रहा था, हमलावर जो कोई भी था उसे गोली लगी होगी और वो वहाँ से भागकर यहाँ आया होगा। अच्छे से चेक करो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, और आसपास में बस्ती वालों से भी पूछताछ करो। अरे सर सब तो चेक कर लिया, यहाँ हमें और कुछ मिला ही नहीं, मिश्रा जी की रिपोर्ट ऐसी नकली रहती है। अरे ओ लगता है वो लोग यहीं आ रहे हैं, तुम लोग छुप जाओ, जब तक मैं ना कहूं कोई गोली नहीं चलाएगा। थोड़ा सर बचा के बेबी रुक्मणी, कहीं चोट ना लग जाए। करो, सुबह से मूड खराब कर रखा है, जब देखो कभी इधर घुमा रहे हो कभी उधर घुमा रहे हो। अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो रूम भी बुक करा था, मुझे क्या पता था मेरा पोता वहां आके छापा मार देगा। पर तू अब टेंशन मत ले, ये शहर की सबसे खुफिया जगह है, इस जगह के बारे में ना ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ना यहाँ बंदा ना बंदे की जात। अब एक काम कर, अपने नकली दांत निकाल ले, तो ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है। दादाजी ओ मेरे हाथ जुड़वा लो, मेरे जान दो प्लीज, तब मेरे बालक जैसे हो, मेरी मजबूरी समझो, ओ मैंने गोली खा रखी है। प्रेमचंद, प्रेमचंद, प्रेमचंद। अरे यार कहां रह गई ये लड़की, अभी तक नहीं आई ये। अरे आ गए तुम कब आई, मैं कितनी देर से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आधे घंटे से यहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम्हारा हर बार का हो गया यार ये। यार बेबी मेरे को ना एक छोटा सा अर्जेंट काम आ गया था, उसी के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया बस। छोड़ो कैसे बुलाया, कैसे क्या, इतने टाइम से तुम्हें कह रही हूँ कम से कम अपने दादाजी से तो मिलवा दो मुझे। अरे भाई दादाजी से तुम मत ही मिलो तो बढ़िया है, आजकल पता नहीं वो अलग ही कौन से जोश में रहते हैं। सही टाइम आने पर मैं तुम्हें अपने आप मिलवा दूंगा, उन्हें थोड़ा ठंडा होने दो अभी। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, एक काम करो, ये लो 30,000 रुपए कैश, ये अपने पास संभाल के रखो। मैं क्यों रख लूं इन्हें, यार तुम्हें पता तो है मेरा हाथ कितना खुला है, सारे खर्च हो जाएंगे। तो खर्च तो मेरे से भी हो सकते हैं। तुमसे नहीं होंगे मुझे पता है, तो और तुमसे तो चोरी भी नहीं करेगा कोई। यार देख ऐसे पैसे छुपा छुपा कर रखने से ये बढ़ने वाले तो है नहीं, इससे अच्छा था तू इन्वेस्टमेंट ही कर लिया कर। यार गोल्ड आजकल महंगा हो रखा है, और प्रॉपर्टी खरीदने लायक बजट नहीं है। कौन से जमाने में जी रही है तू, फैशन के मामले में तो इतना अपडेटेड रहती है, और इन्वेस्टमेंट के नाम पे तुझे आज भी गोल्ड और प्रॉपर्टी दिख रही है, क्रिप्टो का टाइम है आजकल, उसमें इन्वेस्ट कर। क्रिप्टो? ये देख मैं ये कॉइन DCX ऐप यूज करता हूँ, ये इंडिया की सेफेस्ट और सिंपलेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऐप है।
बट क्रिप्टो तो बैन होने वाला था ना? ऐसा कोई लोग गवर्नमेंट ने पास नहीं किया है, सुनी सुनाई बातें मत माना कर, खुद से रिसर्च कर क्रिप्टो पे, इनकी बाइंग सेलिंग और ट्रेडिंग सब कुछ लीगल है। पर ये सब मुझे सिखाएगा कौन? देख मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए इनका एक DCX लर्न प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तू इससे रिलेटेड कुछ भी लर्न कर सकती है। ये कोई वन टाइम मनी मेकिंग प्लान नहीं है। पर ये सब सेफ तो है ना? पूरी तरह से, इनका एक 7M मॉडल है जिससे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इम्प्रूव होती है, फेयर मार्केट रहेगा और रिस्क भी काफी कम हो जाता है, और इसकी सिक्योरिटी तो राठी से भी ज्यादा टाइट है, जैसे कि फैक्टर ऑथेंटिकेशन और विद्रो पासवर्ड, और सबसे अच्छी बात इंस्टेंट विद्रो और डिपॉजिट है और ISO सर्टिफाइड भी है, यहाँ कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। तो यहाँ 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकती है और सिर्फ 10 रुपए से भी क्रिप्टो खरीद सकती है। तू मेरा कोड यूज कर Half100 और साइन अप कर, तुझे 100 रुपए के बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। CoinDCX पे इन्वेस्ट कर क्योंकि फ्यूचर यही है। ठीक है तो मैं अभी डाउनलोड करती हूँ। चल अब चल रहे हैं कुछ खाने पीने, अपनी स्कूटी यहीं खड़ी रहने दे, मैं बाइक लेकर आया हूँ, आ जा। भाई जब से आपने उस मित्तल पर हमला किया है ना, तब से वो चूहा अपने बिल से बाहर नहीं निकला है, पता नहीं साला कब बाहर निकलेगा। कभी नहीं, क्योंकि उसको बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, उसके जितने भी काले धंधे हैं सारे उसके पंटर लोग संभालते हैं, अगर उसका काम ऐसे ही चलता रहा तो वो बाहर नहीं आएगा। अगर उस चूहे को बाहर निकालना है तो उसके जितने भी पंटर हैं सबको एक एक करके ठोकना होगा, और ये काम कैसे और कब होगा वो तू बताएगा। ओ भाई तो चाय बना दियो रे। और भाई तेरी सेटिंग कैसी है? उस तक कह दियो रात को आऊंगा मैं। अरे तो कुछ मतलब है, बात ना हो रही। भाई भाई एक बाल है मित्तल का, राइट हैंड लड़किया सप्लाई करने से लेके स्मगलिंग तक सारा काम यही संभालता है। नेम थोड़ा अजीब सा है इसलिए इस पे कोई शक भी नहीं करता। भाई एक बार सांप का काटा हुआ बच सकता है, लेकिन इकबाल का काटा हुआ? चलो तो एक एक कप चाय हम भी पी आते हैं। तीन चाय लगाई छोटे, सर्दी बहुत हो रही, तू मुट्ठी लेगा बिस्कुट खाएगा? चल छोटे लगा तीन। रघुर कैसा रहा भाई? नजर नीचे कर साला, रुक जा तुझे अभी ठोकता हूं, रुक जा। सरकार खामोश है, लेकिन लोगों के अंदर का डर चीख चीख कर बोल रहा है कि आखिर कब तक ये सब यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि खूनी ने किस तरह इस घटना को अंजाम दिया। सर वो इकबाल का खून यहीं पर हुआ था। पर जब तक कोई सबूत नहीं मिलता हम कर भी क्या सकते राठी। अच्छा एक बात बता, मिश्रा जी कहाँ गायब हैं? यहाँ खून पे खून हुए जा रहे हैं और मिश्रा जी को फुर्सत ही नहीं है। सर अभी अभी ना उनकी वाइफ को बच्चा हुआ है तो दूसरे बच्चे की तैयारी में लग गए होंगे। भाई बड़े रंगीन आदमी हैं ये भी, काम पे लगे रहते हैं हमेशा ही। सर वो देखिए CCTV कैमरा। ओ इसकी फुटेज निकलवाओ, और जिस आदमी से तुमने मुझे मिलवाया था उससे पूछताछ करो, क्या पता खूनी को पहचान ले, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। देखिए मित्तल साहब आप गलत समझ रहे हैं, हमारा पूरा पुलिस विभाग आप ही के केस में तो लगा हुआ है, खूनी चाहे कोई भी हो जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। मेरा आपको एक सजेशन है, जब तक खूनी पकड़ा ना जाए आप अपना ध्यान रखिएगा और आप बाहर कम ही निकलें तो अच्छा होगा। कमिश्नर साहब मैं आपके पास अपनी जान की भीख मांगने नहीं आया हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं ये मुझे अच्छे से पता है। और हाँ आपको बता दूं, अगर अगले 2 दिन के अंदर उस खूनी को नहीं पकड़ा तो इस पूरे शहर को जलने से कोई नहीं बचा सकता। मित्तल जी जो कुछ भी आप बोल रहे हैं थोड़ा सोच समझ के बोलिए, आप शायद भूल रहे हैं आप इस शहर के पुलिस कमिश्नर के सामने बैठे हैं। और तू ये मत भूल के तू JK मित्तल के सामने बैठा हुआ है, ये पूरा शहर मेरे एक इशारे पे नाचता है,
और तू उस दो कोड़ी के खूनी को पकड़ने के बजाय मुझे बोल रहा कि अंडरग्राउंड हो जाऊं। देखिए आप जैन सर, जैन मनीष, तुम मित्तल साहब से कुछ पूछताछ करना चाहते थे ना, ये बैठे हैं, पूछ लो जो पूछना है इनसे। अबे ओ कमिश्नर, मैं यहाँ तुम्हारे सवाल जवाब सुनने नहीं आया हूँ। अगर तुमने उसको दो दिन के अंदर नहीं पकड़ा तो तीसरे दिन ट्रांसफर लेटर तुम्हारे हाथ में होगा। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, उसने मेरे आदमियों को मारा है, उसका हिसाब तो मैं कर लूंगा। पर कमिश्नर, परिवार तो तुम्हारा भी है, हमला तो उन पर भी हो सकता है, बस इस चीज का ध्यान रखना, समझे? कितनी अजीब नौकरी है ना हमारी, हम इस देश के लिए अपनी जान देने तक के लिए तैयार रहते हैं, और ऐसे लोग जो सारे गैर कानूनी काम करते हैं हमें हमारे ही घर में धमकी देके जा रहे हैं, और फिर भी हमें इन लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एनीवेज, क्या रहा इस केस का, कोई सुराग मिला? जी सर, जो लास्ट खून हुआ था उसकी सीसीटीवी फुटेज मिली है। सर, मुझे लगता है आपको ये शहर छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपकी जान को खतरा है। तू क्या चाहता है कि सारी दुनिया को पता चल जाए कि मित्तल डर के भाग गया? एक बार उसका पता चल जाए कि वो कौन है, साले को जिंदा जला दूंगा, जिंदा। सर, आप शेरा से बात क्यों नहीं करते, वो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। शेरा, ठीक है, मिला उसका नंबर। ये लो सर। दादाजी, वाह बेटा वाह, तूने तो मौज ही कर दी। सुबह से बहुत दर्द था मेरी गर्दन में, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था इसने, पता ना रात भर नींद कैसे आती मुझे। और तू कैसे चिल्ला रहा है, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, तमीज से बात करनी नहीं आती इस लड़के को। दादाजी मैं अभी आता हूं। अब बोलेगा भी क्या हुआ? कुछ नहीं दादाजी, वो एक बार को तो मेरे को ऐसा लगा जैसे उसने आपकी गर्दन चटका के आपको भगवान के पास ही भेज दिया हो। हाँ, तू तो बस मेरे मरने की बात सोच बस। नहीं नहीं दादाजी, बिल्कुल नहीं, आप तो 100 साल जियोगे, ऐसे ही थोड़ी। तुझे बोला था ना जब मैं घर पे रहूं तो फोन मत किया कर, बोल क्या फताई। भाई मित्तल का पता चल गया है, जल्दी आ जाओ। मैं आ रहा हूं। ट्रा करो अपना, अब तो गर्दन ठीक है ना, हिला के देख लो एक बार। हाँ भाई हीरो, तू कहाँ चल दिया इतनी रात को? कहीं नहीं, घर जा रहा हूँ, घर से फोन आया था कि माँ की तबीयत ज्यादा खराब है तो घर निकलना पड़ेगा। अच्छा, वैसे तो मैंने तेरे को बहुत गलत आदमी समझा था, लेकिन तू इतना भी बुरा नहीं है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दियो। जी बिल्कुल। हाँ मिश्रा। सर, जो सीसीटीवी फुटेज मिली थी उसमें खूनी का चेहरा साफ नजर आ रहा है, और जो मित्तल पे हमला हुआ था वो गोली भी उसी ने चलाई थी। मैं आपको उसकी फोटोज भेज रहा हूँ, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए आप। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ।